दोस्तों ये वीडियो माइलेज सेटिंग के ऊपर होगी। प्रूफ के साथ ही मेरे पास एवरेज टेस्ट करने की बोतल है जिससे एवरेज पता चलता है। तो अगर बाइक पेट्रोल ज़्यादा ले रही है तो उसको कैसे ठीक करें, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, वो भी प्रूफ के साथ, ठीक है। इससे चेक करके, ये बोतल है एवरेज चेक करने की। तो देखिए, जो ओनर हैं बाइक के, उनका कहना है कि ये बाइक माइलेज कम दे रही है, लेकिन ओनर की बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी लगभग सभी मैकेनिक होते हैं वो स्पार्क प्लग को देखकर ही माइलेज का पता चला लगाते हैं कि माइलेज वाकई में कम दे रही है या फिर नहीं। तो इसका हम स्पार्क प्लग खोल के चेक करते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसका स्पार्क प्लग काला है, देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाइट कलर का हो जाता है, तब आप समझिए कि ये बढ़िया माइलेज दे रही है, यानी पेट्रोल कम ले रही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए बिल्कुल काला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साफ करके इसमें लगाते हैं। तो भाई, हमने इसका स्पार्क प्लग को साफ कर दिया, पहले ये पूरा ब्लैक ब्लैक था, ठीक है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। दोस्तों, माइलेज इसका मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे 100 ml पेट्रोल लिया है, इसमें 100 ml पेट्रोल है, ठीक है इसमें। तो अब हम इसको लगाएंगे इसमें, यहाँ पे लगाओ इसको और देखेंगे कि ये कितनी चलेगी, ठीक है। अब देखिए बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही, यानी पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब देखना, ठीक है, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। पेट्रोल इसका देखिए, हमने यहाँ से बंद करके इसको चलाया। तो अब देखिए इसमें ये वाला पेट्रोल लगाते हैं, लगाओ आराम से, कोई नहीं, लगाओ। बस ये थोड़ा सा पेट्रोल बिखर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ से पेट्रोल को ऑन कर दिया और ये पाइप इसमें लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो बाइक जैसा आपने देखा पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, और देखिए बाइक कितने किलोमीटर चली हुई है, यहाँ पे आप पहले देख लें 15,664 किलोमीटर चली हुई है। तो अब देखेंगे कितनी चलेगी, ठीक है। तो इसका प्लग मैंने आपको पहले दिखाया था, और कस्टमर का कहना भी यही था कि बाइक जो है कम एवरेज दे रही है, ठीक है, यानी पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। इसका स्पार्क प्लग भी मैंने आपको दिखाया था, वो ब्लैक कलर का हो रखा था। तो इसका एवरेज मैंने सेट कर दिया। एवरेज मैंने इसका कैसे सेट किया है मैं आपको भी बताऊंगा, ताकि आप भी इसका माइलेज सेट कर सकें, अपने ही घर पे कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये कितना चलेगी, 100 ml में कितना चलेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हमने इसको सेट कर दिया यहाँ से बोतल को, और ये चली हुई है, एक बार फिर देख लें आप 15,664 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हो जाएगी।
करे स्टार्ट। एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करो। बस 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 कुछ नहीं। तो भाई देखिए, हमने इसको चला लिया, ठीक है, और अभी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, यानी इसका पेट्रोल जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, मैंने इसका माइलेज जो सेट करा था, और अभी देखिए ये चल गई है 15671 किलोमीटर, ठीक है, और जब ये पहले चली हुई थी 15664 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बाकी है, फिर ये पूरा 72 हो जाएगी, एक पॉइंट आते ही 72 हो जाएगी, ठीक है। तो 15672 चल गई है, यानी ये चल गई 100 ml पेट्रोल में 8 किलोमीटर, ठीक है। तो हम मोटा मोटी इसका 6 किलोमीटर मान लेते हैं, कम से कम मान रहे हैं, गाइस देखिए आपके सामने है, ठीक है, 6 किलोमीटर 100 ml पेट्रोल में। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1 लीटर में हो गया जी 60 किलोमीटर, ठीक है, 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलेगी, इस हिसाब से मैंने आपको कम करके बताया, ठीक है। वैसे तो ये 8 किलोमीटर चल गई है 100 ml में, लेकिन अगर 6 किलोमीटर भी हम लगाएं तो फिर भी 1 लीटर में ये चलती है 100 ml के जैसे हिसाब से चली है, तो ये 1 लीटर में चलेगी 60 किलोमीटर। और ये कार्बोरेटर वाली बाइक है, ठीक है, इसमें इंजेक्टर नहीं है, क्योंकि इंजेक्टर वाली इससे ज़्यादा माइलेज देती है। तो 60 का एवरेज जो है वो बहुत अच्छा एवरेज है स्प्लेंडर कार्बोरेटर वाली के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसका माइलेज कैसे सेट किया है, और आप भी इसी तरीके से इसका माइलेज सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करवा लेनी है मैकेनिक से, ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसका ये जो एयर फिल्टर होता है यहाँ पे, उसको आप क्लीन करा लें, या फिर अगर वो ज़्यादा गंदा है या फिर ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा पुराना हो चुका है तो उसको चेंज करवा दें आप, ठीक है। अगर कार्बोरेटर का आपका काफ़ी टाइम से साफ नहीं हुआ है, कार्बोरेटर को आप अच्छी तरीके से क्लीन करवाएं, और कार्बोरेटर के जेड जो होते हैं जेड, उनको भी अच्छी तरीके से साफ करवाएं, ठीक है। अगर स्पार्क प्लग जो मैंने स्पार्क प्लग होता है ना जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो अगर वो भी काफ़ी टाइम से इसमें लगा हुआ है और आपने उसको चेंज नहीं करा, तो आप स्पार्क प्लग को भी चेंज करा दें, और स्पार्क प्लग जो है वो जेन्युइन यूज करें, ठीक है। मैं आपको ये माइलेज बढ़ाने के टिप्स बता रहा हूँ। और एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टाई फिट, यहाँ से ये जो छोटे छोटे कवर होते हैं ना, एक ये और एक ये नीचे है, इनको खोल के यहाँ से आप इसके अगर टाई फिट टाइट हैं तो वो भी आप इसके सेट करा लें किसी मैकेनिक से। अगर देखिए टाई फिट टाइट रहेंगे तो आप कुछ भी करा लें अपनी बाइक में, अगर टाई फिट टाइट हैं तो आपकी बाइक बिल्कुल भी माइलेज नहीं देगी। तो सबसे ज़रूरी है आप टाई फिट ज़रूर चेक कराएं, टाई फिट ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने छोटे छोटे टिप्स बताए, आप इनको जरूर फॉलो करें, और एवरेज कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, हमने इसको इकोनॉमी पर चलाया था, यहाँ पे इकोनॉमी है ना, ग्रीन पट्टी है, यहाँ पे चलाई थी, ठीक है। तो इतना इसने एवरेज दिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों देखिए, जब भी आप माइलेज सेट करें तो बाइक जो है थोड़ी सी हीट होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, ठंडी बाइक का आप माइलेज सेट ना करें, ठीक है। माइलेज सेट कैसे करना है देखिए, आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, इसका ये जो वाला RPM स्क्रू होता है ना, ये RPM स्क्रू, इसको पहले टाइट करना है। अभी मैंने बाइक को स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसको एक राउंड हो गया, दो राउंड, और ये तीन राउंड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको टाइट कर लें पहले, जैसे मैंने इसको तीन राउंड टाइट किया है, तीन राउंड, ठीक है। फिर देखिए इधर ये वाला जो इसका मिक्सचर है, ये एयर वाला मिक्सचर होता है, ठीक है, ये RPM स्क्रू है और ये एयर वाला मिक्सचर है, ठीक है, एयर मिक्सचर। तो इसको आपको देखिए यहाँ पे है, इसको भी आपको टाइट करना है ऐसे, इसको आपको पूरा टाइट कर देना है, ठीक है। बाइक को स्टार्ट करके, मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें, नहीं तो अगर मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा तो फिर आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अब क्या करें, आप देखिए ये यहाँ पर पूरा टाइट हो गया, बाइक को आपको स्टार्ट रखना है। अब क्या करेंगे आप, इसको धीरे धीरे से इसको आप वापस घुमाएंगे ऐसे, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, ठीक है।
और ये हो गया यहाँ पे चार राउंड, ठीक है। ये चार राउंड मैंने इसको बैक कर दिया। आप क्या करें, ऐसा नहीं है कि आप इसको चार राउंड ही बैक करें, जहाँ पे आपको इसकी फुल रेस मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे इसकी फुल रेस हो रही है, वहीं पे आप इसको छोड़ दें इस वाले स्क्रू को, तो वहीं पे ये माइलेज अच्छा देगी। फिर आप क्या करें, इसका आरपीएम यहाँ से सेट कर लें, ठीक है, इसको वापस घुमा के फिर आप इसका माइलेज सेट कर लें, तो इस तरीके से इसका माइलेज सेट होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ सब। गाइस देखिए अब इसका प्लग, वैसे तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं चलाया, ये 7-8 किलोमीटर से लिया आपके सामने, लेकिन ये वाइट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। जब ये ज़्यादा चली जाएगी तो फिर ये वाइट हो जाएगा प्लग इसका, ठीक है, आप देख सकते हो पहले ही पूरा ब्लैक ब्लैक था, अब देखिए यहाँ से देखिए आगे से ये वाइट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप माइलेज सेटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।